अरे न्यूज सुने, जलजला और मातम का माहौल छा गया है इस देश में। लोग खा भी नहीं रहे, यूट्यूब पे वीडियो डालने में तक दिक्कत आ रही है। क्यों? अरमान मलिक का असली नाम संदीप है, हिंदू है वो, और अपने बच्चों का नाम मुस्लिम नामों से रख दिया, आयान, जैद और टूबा। मैं जैद को रख लेता हूँ, जैद अभी रो रहा है ना। नहीं नहीं, ये तो अलग बच्चा है चीकू, ये नहीं। बाकी जो तीन नाम बताए मैंने आपको वो नए कैरेक्टर्स है, नए फैमिली मेंबर्स। ऐसे न्यूज देने से क्यों बताया मालूम? क्योंकि आज तक जैसे न्यूज चैनल्स भी इनके न्यूज दे रहे हैं। आप यूट्यूबर अरमान मलिक पिछले कुछ समय से अपनी दो शादियों को लेकर सुर्खियों में है। अरमान मलिक की दो पत्नियां हैं पायल मलिक और कृतिका मलिक, जो एक ही घर में बड़े प्यार से रहती हैं। बड़े प्यार से? बिहाइंड द सीन्स तो कुछ और ही होता होगा। लड़की रहे नहीं, मैं इसे लेके इसका लड़के के लिए दो लड़कियों की हुई लड़ाई। टूबा और जैद के नाम पर यूट्यूबर को सोशल मीडिया पर काफी खरी खोची सुननी पड़ी थी। ट्रोलर्स का कहना था कि जब अरमान और उनकी दोनों पत्नियां हिंदू हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम मुस्लिम धर्म के हिसाब से क्यों रखे। क्यों का क्या मतलब? व्यूज के लिए ऑब्वियसली। मेरे को बहनचोद बहुत गुस्सा आता है ऐसे चमन चूतियों पे जो कि किसी भी धर्म का यूज करते हैं दुनिया की नजरों में आने के लिए। और इन तीनों की तो सारी हरकतें शुरू से ही वैसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। कृतिका ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि सारे नाम बहुत अच्छे होते हैं, चाहे हिंदू नाम हो चाहे मुस्लिम नाम हो। हाँ तो हिंदू नाम ही क्यों नहीं रख दिए? देखो अरमान का भी असली नाम संदीप है। इन सरोज भाभी का फिर कॉल आया, उन्होंने बताया कि संदीप गोलू वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, उसने जानबूझ के अरमान मलिक नाम रखा है ताकि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो उसके नाम के अराउंड और लोगों को लगे कि हाँ किसी मुस्लिम बंदे ने किसी दो हिंदू लड़की को फंसा के रखा है। तो ऐसे ना ये हिंदुओं की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना मुस्लिमों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बस धर्म को यूज कर रहे हैं अपने फेम और व्यूज के लिए। और सिर्फ इसलिए ही इसने अपने बच्चों का नाम मुस्लिम नामों से रख दिया। इसको बस ये है कि लोग कुछ भी कहें बस धंधा चलता रहे, और ये अपने बच्चों का नाम भी बदलने वाला है। ये तो होना ही था। फाइनली अरमान मलिक ने अपने बच्चों के नाम बदल कर हिंदू नाम रख दिए हैं। पायल मलिक ने लेटेस्ट ब्लॉग में बच्चों के नाम बदलने की जानकारी दी। देखो इन दो बीवियों वाले आदमी को बस ये है कि कंट्रोवर्सीज जहाँ से जो भी करके इकट्ठा हो सके, जिस भी धर्म को इकट्ठा करके व्यूज ले सकूं कर लेता हूँ। जब तुमको नाम बदलने ही थे तो पहले ही रख लेते। अब ये बोलेंगे कि ऑडियंस बोल रही थी इसीलिए नाम बदल रहे हैं, तो ऑडियंस तो बहुत कुछ बोलती है और वो सब भी करो। कुछ नहीं भैया, बस बना रहे हैं तुम लोगों को। तो गाइस इस बार ये दो बीवियों वाला आदमी सिर्फ अपनी दोनों बीवियों के वजह से ही नहीं बल्कि अपने तीनों बच्चों के वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में आया है। जो राशि नाम निकला है जैद का निकला है राशि नाम ठ से, और अयान का और तूबा का जो राशि नाम निकला है के से, के से। तो आप लोग ना सजेशन में बताना कि हम ठ से क्या। इन दोनों की एक्टिंग अब मेरे को राखी सावंत सी लगती है। सजेशन तो बहुत सारे है। सलमान खान यही रख दो, तुम्हारे मन का मुराद भी पूरा हो जाए। कंट्रोवर्सी में लाने के लिए कम से कम एक बच्चा तो रहेगा। ठेकेदार ठेकेदार तो बच्चों का बापू है, धर्म के अराउंड कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का ठेकेदार। ठुमके और खीरा रख दो ये व्यवस्था। ठांगा वाली ठठेरा और खरगोश केस रख दो किरमाड़ा। धरती की कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती। का से कमलेश आप भी लगा के देखिए। बोल बम देखे बन गए ना हिंदू। अ नॉर्मल डे इन अरमान मलिक्स लाइफ। बच्चों का नाम रखना है, कोई मुस्लिम नाम रख देता हूँ, हरिद्वार जाना है, अब हिंदू बन जाता हूँ। जय भोले। लगता था कि इनका ये नाटक बस इन्हीं तीनों में है, लेकिन नहीं, अब इनका पूरा खानदान इन्वॉल्व हो गया है। दो शादियां बहुत ही मुश्किल होती हैं। आप सबको तो पता होगा कैसे बोल रही है भाई ये नॉर्मली। ऐसे जैसे सबकी लाइफ ऐसी ही तो है, सबके पास दो दो बीवियां, तुम्हारे पास नहीं है? अच्छी पहले मेरे को ये सिर्फ शक्ल से राखी सावंत लगती थी, अब अकल से भी लगती है। लोगों को इस पे बड़ा दया आ रहा था, फिर इनके लाइफ में आई एक नई कैरेक्टर अरमान मलिक की बहन, और उसके बाद से लोग इससे नफरत करने लगे। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आप एक से भी खो बैठोगे अपना। अरमान उधर शांति से बैठा है, क्या बोल रही है ये दोनों? मैंने जो किया उसका मतलब सिर्फ एक ही बनता है, दिस इज बिजनेस, एजिट बिजनेस। अगर अरमान ने पैसे दिए होते तो मेरा 4 लाख कर्जा कहाँ से होता?
अरे अगर मेरा भी नाम नहीं होगा जब तक मैं पैसे नहीं दूंगी ना गाइस मेरा नाम भी नहीं होगा, जो मेरा नाता है ना गाइस कुछ भी बोलो आज मेरा नाता टूट चुका सबसे। दया आ रही है आप लोगों को, इस पे दया आ रही है, अरमान की बहन नहीं है। मैं बोल रही हूँ इनका पूरा खानदान एक्टिंग में टॉप नॉच है एकदम, मतलब ये तो मानना पड़ेगा। और ऑडियंस वो भी ऐसे इन्वॉल्व हो रही है जैसे उनके घर का मामला है सब। सही है ये परिवार बहुत घटिया और गिरा हुआ है, सपना की मेहनत और उसका चैनल सपना वही अरमान की बहन और उसी को यूज करके ये पूरा पैसा नहीं देते जितना उसकी मेहनत के आते थे, सिर्फ 50,000 देते थे और जब सपना इनके पास थे तो उसको एक महीने दिए ही नहीं, घटे इंसान। ये बहुत लंबा पैराग्राफ है जो कि मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। देखो पैराग्राफ लिखा है, साला इधर सोते उठते खाते पीते ही टाइम पूरा दिन रात निकल जाता है और इन लोगों के पास टाइम अपने घर की लड़ाई देखने के बाद दूसरे के घर की लड़ाई देख के फिर उसमें इन्वॉल्व होके उसके ऊपर एक पैराग्राफ भी लिख देने का। जिस भी बंदे का ये कमेंट था इसने इतना प्रिसाइसली लिखा है कि ये उनके घर का ही तो सदस्य है, बैठ के देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक महीना तो पैसा दिया ही नहीं। पागल साले कर रहे यार तू, अपनी जिंदगी में ध्यान दो। वो अपने तुमको बना बना के निकाल ही रहे हैं, रोज तीन तीन चार चार ब्लॉग डाल रहे हैं, पैसा आ ही रहे उनका, तुम अपने पे ध्यान दो। इनका एक वीडियो है, ये है हमारी फैमिली का सच, आइए जरा सच सुनते हैं। तो गाइस फाइनली तीनों बच्चे सो चुके हैं, टचवुड बहुत अच्छे से नींद से सोया। अभी बज रहे हैं टाइम क्या हो रहा है गोलू, 1:26। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:26 और तीनों बच्चे सो गए हैं। यहाँ से ना बच्चों की नैनी जो है वो तूबा को दिखा रही है कि तूबा की आंखें खुल गई हैं, पर जैद और आयान सो गए हैं। तूबा इसलिए जाग रही है गाइस क्योंकि तूबा अभी आधे घंटे पहले ही उठी है। अब ऐसे थोड़ी सोता है बच्चा भी आधे घंटे पहले उठे और वो सो जाए थोड़ा। हाँ क्योंकि नैनी को ना हमने आते सुला दिया था, वो आई थी 8:30 बजे। भाई तुम लोग ऐसे व्लॉग्स देखते हो, ये लोग हर एक छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, आंख खुली आंख बंद हुई, नैनी ये बोली नैनी ये कि अभी आधे घंटे सो के पहले उठी भागी। तभी लोग बोलते हैं कि व्लॉगर्स कभी अपने हगरी और मूतने का भी वीडियो बना के डाल देंगे। ये सब देख के मेरे को लग रहा है कि ये सच हो सकता है आने वाले समय में। तो गाइस मुझे और गोलू को बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि दलिया बना लेती हूँ। दलिया के लिए मैंने फिर से आज चीनी देखी और चीनी खत्म। तो गाइस हाइट कम होने का ना ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मेरे हाथ में वो काजू बादाम का डब्बा नहीं आ रहा। गोलू को बुलाऊंगी, गोलू निकाल के देगी। तभी मैं सोचू कि इतने अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं अपने देश में जो कि पता नहीं मतलब ऐसे सिनेमैटिक व्लॉग्स बनाते हैं जो कि शायद फिल्म वाले भी ना बनाए, उनके व्लॉग्स पे ज्यादा व्यूज नहीं जाते। इनका ये सब चीनी खत्म हो गया, हाइट कम है, ये सब ड्रामों पे व्यूज ज्यादा जा रहे हैं भाई। तो ये है इनकी फैमिली का सच कि पायल की हाइट छोटी है और वो चीनी का डब्बा नहीं उतार सकती, इसीलिए अरमान ने दूसरी शादी की कि मैं जब घर पे नहीं रहूं तो मेरी दूसरी बीवी चीनी का डब्बा उतार के दे और घर में दलिया बन पाए। भाई मेरे से नहीं होगा ये सब। मेरे व्लॉग का एक लिंक होगा कमेंट सेक्शन में, जाके आप उसको देखो, आपको जब वो अच्छा लगे तो उस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को तो यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को करना लाइक, कमेंट सेक्शन में वीडियो से अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखें और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।